इस बार के बजट में दिल्ली NCR को पराली के पॉल्यूशन से बचाने के लिए फंड के इंतजाम के बाद केंद्र सरकार के फैसले की खासी तारीफ हुई। लेकिन सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, देश के दूसरे शहरों और कस्बों की हवा में जहर घोल रहे पेट कोक के गुनाह पर ज्यादा बात नहीं हो रही है। पेट यानी कि पेट्रोलियम कोक, जिसे दुनिया का सबसे डर्टी फ्यूल कहा जाता है, सबसे ज्यादा सल्फर वाला ईंधन है और फैक्ट्रियों में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। पेट कोक का सफर शुरू होता है कनाडा से, जहां कोल तार की खदानें हैं। वहां से ये अमेरिकी तटों पर पहुंचता है, जहां रिफाइनिंग करके इससे पेट्रोल और डीजल अलग कर लिया जाता है। फिर जो बच जाता है उसे कहते हैं पेट कोक, जिसे दुनिया का सबसे गंदा ईंधन कहा जाता है। क्योंकि अमेरिका में अब इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लिहाजा जलने पर भारी कार्बन सल्फर और हैवी मेटल से हवा को जहरीला बनाने वाले इस पेट कोक को निर्यात कर दिया जाता है। भारत और चीन पेट कोक के बड़े आयातक देश रहे हैं, लेकिन चीन ने अब इस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, लिहाजा भारत पेट कोक का डंपिंग जोन बन गया है। आज लगभग 45 देशों से भारत में पेट कोक आता है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में पेट कोक में सल्फर का स्तर 1000 गुना से अधिक होता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।